हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है वोमेन्स एंड रिफॉर्म का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या जो पॉइंट्स है जो स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पर बेटा आपका जो फर्स्ट जो पॉइंट्स है आपका आएगा जो स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन द 18th सेंचुरी CE में, जो 18th सेंचुरी CE में जो महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसी थी। तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है हम दे कवर करेंगे, उसमें जो है पोजीशन ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी, देन जो सेकंड पॉइंट्स होगा लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, द प्लाइट ऑफ विडोज, देन सती और आपके जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है उसके जो पॉइंट्स है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जो सोशल जो रिफॉर्मर्स थे जिसने जो वुमेन्स और महिलाओं की जो स्थिति है उनके सुधार के लिए जो प्रयास किए, सामाजिक सुधार के लिए जो प्रयास किए, जिसमें आपका जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और सर सैयद अहमद खान। साथ ही साथ जो केस स्टडी में हम जो है बंगाल और आपके जो महाराष्ट्र वाले जो रीजन थे वहां पर जो सोशल जो रिफॉर्मर्स हुए और उनके द्वारा जो सुधार के जो प्रयास किए गए, ये सभी जो टॉपिक्स है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बुक्स में चलते हैं। बुक्स में सबसे पहले बेटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एक जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आपको क्या बताया गया है, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? सो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो टू अवेकन द पीपल, इट इज द वुमेन हु मस्ट बी अवेकन्ड, वंस शी इज ऑन द मूव द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स, द नेशन मूव्स। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। सो अब यहां पर उनका कहने का मकसद क्या था कि अगर हमें लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है, तो हमें सबसे पहले किनको जागरूक करना पड़ेगा? महिलाओं को जागरूक करें ताकि उनके जो एजुकेट होने से, उनके जागरूक होने से, उनके जागने से एक जो फैमिली जागृत होगा, फैमिली से एक विलेज उनका जो गांव है वो जागे आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ उससे एक गांव आगे बढ़ता है तो एक जो कंट्री है वो भी आगे बढ़ सकता है। तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब जो आगे हम बुक्स में बात करें आपका, तो देखते हैं यहां पर क्या पॉइंट टॉपिक आता है कि वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड एंड ऑप्रेस्ड फॉर अ सेंचुरीज। जो महिलाएं हैं वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, ये हमारे इंडिया की बात नहीं है, वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं क्या है, ऑप्रेस्ड है, मीन्स उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। मीन्स महिलाओं को देखे होंगे कि जो उनको जो एक काम जो इतना सारा दिया जाता है, घर का काम उसको बहुत सारे दिया जाता है जिससे वो करते हैं, बट उनका उनको वैल्यू है वो कभी भी नहीं दिया जाता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि दिस वाज अ पर्टिकुलरली ट्रू इन टू ऑफ 17th and 18th century India। मीन्स ये जो घटनाएं हैं कि जो महिलाओं के साथ जो क्या होता था कि उनके साथ जो ऑपरेशन किया जाता था, मीन्स उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनका जो शोषण होता था, ये आपका जो 17 और आपके जो 18 सेंचुरी में बहुत ज्यादा होता था। पर जो 19 सेंचुरी आया तो यहां पर क्या हुआ कि जो इन द 19 सेंचुरी इंडिया एक्सपोज टू वेस्टर्न आइडियाज एंड टू अंडरस्टूड दैट नो सोसाइटी कुड प्रोग्रेस अंटिल द वुमेन ऑफ दैट सोसाइटी प्रोग्रेस। जो 19 सेंचुरी में क्या हुआ, जब आपके जो इंडिया जो है, यहाँ के जो इंडियन जो है वेस्टर्न आइडिया से क्या होते गए, एजुकेटेड हो गए, मीन्स वेस्टर्न जो कंट्री जैसे आपके जो यूरोपियंस यहाँ पर आए और उनकी जो शिक्षा है वो इंडियंस को मिलती रही, तो लोगों को एहसास हो गया कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी को हमें डेवलप करना है, हमारे कंट्री को डेवलप करना है, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको डेवलप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनको एजुकेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी कारण से इन एजुकेटेड वोमेन, स्पेशली इन एजुकेटेड मदर, हैड पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। वोमेन फॉर्म हाफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्रीज, हाउ कुड एनी सोसाइटी हुज वोमेन्स वेयर स्टिल इन अ सैकल होप टू बिकम फ्री। मीन्स जो किसी भी कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जो महिलाओं का जो पॉपुलेशन है वो कितना होता है, लगभग 50% होता है, मतलब आधा जो है उस कंट्री में कौन होती है, महिलाएं होती हैं। और अगर महिलाओं के पैरों में हमने क्या कर दिया, जंजीर बांध दिया है, मीन्स हम उसको एक सपोज हम क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, क्लासरूम में आपके पैरों में जंजीर बांध दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप कहीं भी आने जाने के लिए क्या है, फ्री है,
है ना, आप आजाद हैं, आप इंडिपेंडेंट, आपको फ्रीडम है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, बट आपके पैरों में ऐसा जंजीर बांधा गया है ऐसा जो कि आप जो है क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते। तो क्या आप फ्री हैं? नहीं है। फ्री है क्या आप? नहीं है, क्योंकि भाई आपको तो क्या कर दिया गया है, जंजीरों से बांध दिया गया है। तो यही जो है उस समय सोसाइटी की हम बात करें तो कंट्री ऐसा था कि वहां पर महिलाओं के पैरों में जंजीर था कि उनको घरों में ही कैद रहना है, घर से बाहर उनको नहीं जाना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको आजादी मिल भी गया, फिर भी जो है आपका जो सोसाइटी है, आपका समाज जो है, जो उनका माइंडसेट है, वो तो चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो हमारा जो प्रॉब्लम था हमारी सोसाइटी में 17 और 18 सेंचुरीज में ज्यादा था, फिर जैसे जैसे 19 सेंचुरीज आया तो कुछ जो चेंजेस है हमें देखने को मिले, क्योंकि उस समय जो लोग हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेटेड होते जा रहे थे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है कि अब जो उस समय जो हमारा जो द स्टेटस ऑफ वोमेन इन द 18 सेंचुरी में जो स्टेटस जो वोमेन से कैसा था, तो यहां पर जो ये जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हमने देखा था, ये सभी जो पॉइंट्स हैं हम यहां पर कवर करेंगे। या देन व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इन द 18th century, व्हाट वेयर द एविल प्रैक्टिस प्रिपरेटेड अगेंस्ट वुमेन्स दैट सो डिस्टर्ब लिबरल थिंकर्स इन इंडिया। मीन्स उस समय जो 18th century में कहा जाए तो जो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उनके साथ वो क्या क्या व्यवहार होते थे जिनके कारण से जो हमारे जो लिबरल जो थिंकर्स हैं उनको बहुत सारी जो चीजें सोचनी पड़ी कि कैसी जो महिलाओं की स्थिति है उनको सुधारा जाए। वो क्या क्या एक्टिविटीज हुई जिनके कारण से कुछ जो ऐसे जो लोग थे जो सोशल जो रिफॉर्मर्स हैं उनको सामने आने पड़े और जो लोगों की सुधार के लिए प्रयास करना पड़ा, स्पेशली जो महिलाओं के सुधार के लिए प्रयास करना पड़ा। तो जैसे यहां पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, द स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन द 18th century, महिलाओं की स्थिति कैसे थी। सो वुमेन इंडिया हैव बीन एक्सप्लॉइटेड एंड ऑप्रेस्ड फॉर सेंचुरीज, इसको हमने देखा था कि जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें दे वेयर डेंड एजुकेशन, मींस उनको पढ़ाई पर आगे बढ़ने का मौके नहीं दिए जाते थे। दे वेयर मैरिज ऑफ एट यंग एज, मींस उनको जो है छोटी सी उम्र में, मींस जब वो बच्चियां रहती थी तभी उनका क्या कर दिया जाता था, मैरिज करवा दिया जाता, उनका शादी करवा दिया जाता था। देन फीमेल इन्फेंट्स वेयर किल्ड, मींस जो या तो किसी जो छोटी बच्चियां है जिनको गर्भ में खत्म करवा दिया जाता था, या फिर जैसे ही वो पैदा होते थे तब उनको मार दिया जाता था या फिर कचड़े में उनको फेंक दिया जाता। अभी भी ये चीजें आपको कहीं पर न्यूज़पेपर में न्यूज चैनल में सुनने को देखने को मिलता है कि इन जो बच्चियों का है जो है किसी का, यहां तो आप देखोगे कि किसी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसके जो बाथरूम है जो कई महीनों से बंद था वहां पर कोई जो छोटी बच्चिया है उनका लाश मिला हुआ है, ये भी चीजें सुनने को हमें देखने को मिलता है। तो ये तो अभी ऐसा हो रहा है, तो उस समय जो 17, 18 और 19 सेंचुरी में देखें तो इस तरीके से घटनाएं जो है बहुत ज्यादा होती थी। देन सती जो प्रैक्टिस किया जाता था और विडो जो रिमैरिज है ये जो है उस समय मीन्स महिला विधवा जो महिला है उसको रिमैरिज मीन्स पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो ये जो पॉइंट्स है आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट जो उस समय 18th century में महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बुक्स में चलते हैं और वहां पर देखते हैं तो जो पॉइंट आता है हमारा द पोजिशन ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी, सोसाइटी पर जो महिला का जो पोजिशन है वो कैसा था, इससे रिलेटेड जो ये आपका इमेज आप देख सकते हैं और ये आपके नोट्स जो पॉइंट्स है जिसको आप नोट्स के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। सो जो महिलाओं के जो पोजीशंस की हम बात करें बुक्स में वापस चलते हैं बेटा, वुमेन वेयर ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट, इट वाज वाइडली बिलीव दैट वुमेन कुड नॉट थिंक फॉर देमसेल्फ एंड दैट दे शुड बी केप्ट इनसाइड द हाउस। मींस महिलाओं को क्या समझा जाता था, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस एक चीज या फिर एक वस्तु। अब जो है वस्तु का मूल्य हमारे लिए कब तक होता है, जब तक वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है ना, जब तक हम उसको यूज कर रहे हैं तभी तक वो हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है, उसका वैल्यू है। और अगर हमारा यूज उससे खत्म हो गया, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तब हम उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, जब तक महिलाओं की जरूरत है उनसे काम लिया जाता था, घर का काम हो चाहे कोई दूसरा काम है वो करवाया जाता था, उनका काम खत्म या फिर जब वो काम नहीं है कुछ भी चीज तो उसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। उनको समझा जाता था कि जो महिलाएं हैं वो अपने लिए कुछ भी सोच नहीं सकती है ना, मतलब उनके पास इतना भी दिमाग नहीं है
कि वो जो है अपने लिए कुछ बचा अच्छा क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोच सके, इसी कारण से उनको घर में कैद करके रखा जाता था। तो उनके जो डिसीजन है और मेजर डिसीजन इन अ वुमेन्स लाइफ वेयर टेकन बाय हर फादर हर हस्बैंड एंड लेटर हर सन, वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी। मीन्स जो महिलाओं के लिए जो डिसीजन लिया जाता था, उनके लिए जो भी चीजें सोचा जाता था, वो कब सोचा जाता था, उनके लिए सोचने का काम उसके जो फादर करते थे, फिर उसके शादी हो गया तो उसके हस्बैंड करते थे, और जब उसके बच्चे आ गए, उसके बच्चे बड़े हो गए, तब उनके जो है बच्चे ही अपनी महिलाओं के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने बेटी के लिए वो सभी जो डिसीजन है वही लोग लेते थे। महिलाओं के पास कोई राइट्स नहीं था कि वो अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ उनके फादर की जो प्रॉपर्टीज हैं, मींस अपने जो पिताजी के जो संपत्ति है उन पर भी उनका अधिकार नहीं था। ये जो किस समय है, तो ये जो आपका जो 17 या 18 या फिर 19 सेंचुरीज की बात करें, अगर इससे पहले आप जो क्लास 6 में आपने वैदिक पीरियड देखा था, तो वहां पर आपने देखा था कि जो महिलाएं हैं उनको भी जो मेन है उनके बराबर जो है अधिकार दिया जाता था, उनको भी उनके फादर के प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार रहता था। और बहुत सारे जो वैदिक पीरियड्स में अर्ली जो वैदिक पीरियड्स है वहां पर उनको राइट दिया जाता था, बट समय के अनुसार से ये सब जो चीज है वो चेंज होने लगे थे। तो ये तो पोजीशन से रिलेटेड हुआ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है हमारा कि जो था लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन जैसे ही आपको जो इमेज यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको नोट्स पॉइंट्स मिल रहे हैं कि जो बच्चियां हैं या फिर महिलाएं हैं उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था। मीन्स उनको शिक्षा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था। कुछ जो बच्चे हैं मात्र प्राइमरी लेवल तक पढ़ पाते थे, उनको जो हायर एजुकेशन है वो नहीं दिया जाता था। तो इसमें जो पॉइंट्स आता है आपका कि वुमेन्स वेयर डिस्करेज फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल्स एंड कॉलेज, उनको ना तो स्कूल भेजा जाता था ना उसको कॉलेज भेजा जाता था। स्कूल नहीं जा रहे तो कॉलेज जाने वाली बात ही नहीं है, पहले स्कूल जाएंगे तभी तो कॉलेज जाएंगे कि पहले कॉलेज चले जाएंगे, नहीं है ना, पहले स्कूल जाएंगे उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे। सो इट वॉज बिलीव्ड दैट वेल एजुकेटेड वुमेन्स वुड बी अनविलिंग टू डू हाउस होल्ड वर्क और ऑबे देयर हस्बैंड्स अनक्वेश्चनेबली। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि अब जो महिलाएं हैं, उस समय के लोगों की थिंकिंग देखिए कि वो लोग ये समझते थे कि अगर महिलाएं क्या हो गई, एजुकेट हो गई, वो पढ़ लिख लिए, तो वो क्या करेंगे, घर का जो काम है वो करना बंद कर देंगे या फिर वो घर के काम करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। साथ ही साथ जब उनका शादी होगा तब वो जो है अपने हस्बैंड के निर्णय है, उसका जो डिसीजन है उस पर ही वो क्वेश्चन करने लगेंगे, कि वो बोलेंगे कि नहीं जी आपको कुछ नहीं आता है, आप थोड़ी जानते हैं, है ना। जैसे सपोज कोई जो महिला है वो पढ़ लिख ली, उसके जो हस्बैंड है उससे कम पढ़े लिखे हुए हैं। सपोज आपकी जो है क्या होती है, शादी होती है ना। अब जो है आप क्या कर लिए, आप एक लड़की है, आपकी शादी हो गई, आपने जो है अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां से स्टडी किया है, आप जो है हायर एजुकेशन लिया, आपने कॉलेज कर लिया, बट आपके जो पेरेंट्स है वो शादी करा लिए, कोई दो दसवीं जो फेल जो लड़का है उसके साथ आपकी क्या हो गई, शादी हो गई। अब आपके बच्चे हुए क्या हुए, बच्चे। अब आप चाहोगे कि जो आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, चाहेंगे आप, बट आपके हस्बैंड बेचारे वो कम पढ़े लिखे हैं, उनका इनकम नहीं है, वो कमाते हैं, डेली मजदूरी करता है, उसको 150 रुपीज 200 रुपीज डेली का इनकम होता है, उसके पास उतना इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज सके, क्योंकि वहां का जो फीस है वो बहुत ज्यादा होता है, आप लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अब उसकी वाइफ बोलेगी, नहीं जी आपको कुछ नहीं आता, आप थोड़ी जानते हो, बच्चे को एजुकेशन दिलाना बहुत ही जरूरी है। अब उसका हस्बैंड बोल रहा है, नहीं जी हमारे तो इनकम उतना नहीं है। तो कहने का मतलब कि उस समय के जो थिंकिंग लेवल थी कि जो बच्चा कोई महिलाएं जो है हम उनको पढ़ा लिए, बच्चियों को पढ़ा दिए, तो वो घर का काम नहीं करेंगे, अपने हस्बैंड से वो झगड़ा करेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे। तो इस कारण से कहीं ना कहीं जो महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका चाइल्ड मैरिज। अब जो बाल विवाह, ये जैसे यहां पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा हो, यहां पर आपको नोट्स पॉइंट्स नजर आ रहा है, बाल विवाह में देखिए जो छोटे छोटे जो बच्चियां हैं उनका जो है क्या कर दिया जाता है,
शादी कर दिया था। यहाँ पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि एक जो है उसके जो पिताजी हैं, दोनों के जो पिताजी हैं, वो एक लड़के को गोद में उठाया हुआ, एक जो है लड़की को। डिफरेंट जो एक्टिविटीज होते हैं शादी के, वो सभी जो दोनों जो है उनको उठाकर, जैसे हिंदू में आप देखोगे तो भांवर होते हैं ना जी, राउंड लगाते हैं, जो भी चीजें करनी है उनके जो पेरेंट्स है वो कर रहे हैं। बच्चियों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी के जो सोसाइटी में बहुत ही क्या हो गया है, लिमिटेड हो गया। बट कहीं कहीं पर अभी भी ये चीजें हैं वो देखने को मिल जाता है, न्यूज में आप लोग का कभी कभी सुनने को मिलेगा कि यहां पर जो है बाल विवाह किया गया। सो अब जो चाइल्ड मैरिज है इसकी हम बात करें, पॉइंट्स बात है, तो गर्ल्स वी आर मैरिड ऑफ एट अ वेरी यंग एज, समटाइम्स वेन दे वेयर जस्ट 5 or 6 ईयर ओल्ड, दे बिकम मदर वेन दे वेयर बैरली 15 or 16, वेन दे वेयर नाइदर फिजिकली नॉर इमोशनली रेडी फॉर मैरिज और मदरहुड। मीन्स जो महिलाओं का, जो बच्चियों का जो विवाह हो जाता था 5 or 6 ईयर, 5-6 साल रहते हैं, आप सोचिए उतने में तो बच्चे आज जो है स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। बट उनका क्या करवा दिया जाता है, शादी। और जब 15 or 16 ईयर्स के एज के होते हैं तब वो है मां बन जाती है। जिस समय वो अपने लिए ठीक से सोच नहीं पाती है वो उस समय मां बन जाती है, और उनको एक और जो बच्ची है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी जो सोचने वाली जो स्थिति उस समय हमारी सोसाइटी में थी कि जो बच्चियों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता था। और इसी पर आगे हम जो देखेंगे कि जो विधवा, मतलब जो प्लाइट ऑफ जो विधवा, जो विडोज है, जो जो महिलाएं के जो हस्बैंड है वो बचपन में ही उनके जो हस्बैंड है उसका जो डेथ हो गया, उनके जो शादी है 5 or 6 ईयर में हो गया, 10 ईयर्स आते आते तक उनके जो हस्बैंड है वो क्या हो जाते थे, डेथ हो जाते थे। वो बच्ची जो है वो अपने पिताजी के घर से अपने ससुराल भी, मतलब आप जिनके हस्बैंड थे वहां पर भी घर नहीं गए हैं किसी कारणवश। उस समय तो बहुत ज्यादा बीमारियां होती थी, है ना, उस समय उतना इलाज वगैरह भी नहीं होता था। तो अब वो बीमार होने के कारण से उनके हस्बैंड का डेथ भी हो गया, इनको पता भी नहीं है, फिर भी क्या किया जाता था, उनके साथ पूरे का पूरा विधवा जैसे व्यवहार किया जाता था। वो बच्ची जीवन भर अपनी शादी नहीं कर सकती थी। तो यही जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आपका हमारा है कि क्या है कि जो द फ्लाइट ऑफ विडोज, इससे रिलेटेड इमेज आप देख सकते हैं। ये जो ये तो एक दादी अम्मा है ना जी, इनका तो एज हो गया है, बट कई ऐसे जो बच्चियां थी जो जिनका तो एज भी नहीं हुआ था, 10 ईयर्स का नहीं हुआ है, 5, 6 ईयर, 7 ईयर्स का है, और वो उनको विधवा मान लिया जाता था। अब इससे रिलेटेड नोट्स पॉइंट्स आपके लिए है, हम बुक्स में चलते हैं। द प्लाइट ऑफ विडोज, विडो इवन चाइल्ड विडोज इन अ मेनी हिंदू फैमिलीज वी आर नॉट अलाउड टू रीमैरिज, देयर हेड वाज सेव्ड, दे वेयर फोर्स्ड टू वेयर ओनली व्हाइट क्लॉथेस, दे वेयर अलाउड टू ईट ओनली ब्लैंड वेजिटेरियन फूड्स। मीन्स अब जो महिलाएं, जैसे मैंने बताया अभी जस्ट की विधवा जो होती थी, चाहे वो बच्चियां हो चाहे वो कोई बड़ी हो, है ना, अगर उनके जो हस्बैंड का डेथ हो गया तो उनके बालों को क्या कर दिया जाता था, सेव कर दिया जाता था। मीन्स उनको क्या करवा दिया जाता था, मुंडन करवा दिया जाता था, है ना जी, उनको बाल पूरे खत्म करवा दिए, सेव करवा दिए। उनको जो है घर से बाहर रहना पड़ता था हमेशा, वो घर में एंट्री नहीं कर सकते थे, और पूरा लाइफ टाइम उसको ब्लैंड जो उबला हुआ जो खाना है वो खाना पड़ता था। मीन्स जिसको जो लोग खाना पसंद नहीं करते थे, जो काम वो करना पसंद नहीं करते थे, ऐसा जो काम है वो जो विधवा है, विडोज है, उनको करवाया जाता था। तो उस समय सोसाइटी की जो स्थिति है वो इस तरीके से खराब हो गई थी, और उनको जबरदस्ती कहां भेजा जाता था, वे आर ट्रीटेड एज आउटकास्ट एंड ऑफ्टन सेंट अवे टू टेंपल सिटीज लाइक वृंदावन एंड बनारस टू फेड फॉर देम सेल्फ। मीन्स वो कहां जाते थे, तो उनको जो है वृंदावन या फिर वो बनारस, मीन्स धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए उनको भेजा जाता था कि जाइए आप अपवित्र हो गए हैं, आप जो है आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपको जो शुद्ध होके आना है, आपको पवित्र होके आना है, इसलिए आप कहां जाइए, वृंदावन या फिर बनारस, मीन्स होली जो प्लेस है, पवित्र स्थल है, वहां की यात्रा करो, आपको वहां पर पुण्य मिलेगा, आपका जो आपने जो पाप कमाया है, आपका जो दुर्भाग्य है वो उससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सो इस तरीके से उनके साथ व्यवहार है वो किया जाता था। तो इसी का जो एफबीआई इफेक्ट और नजर आता है कि क्या हुआ कि जो सती मीन्स होता है कि जो महिलाएं हैं वो
क्या हो जाते हैं, अपने हस्बैंड के जो डेड बॉडी है जिसको जलाया जाता है तो उसी में वो कूदकर या फिर बाद में जो जबरदस्ती उनको भी जला दिया जाता था। शायद आई थिंक ये जो सिस्टम है वो किस लिए स्टार्ट हुआ रहा होगा, कि जो महिलाओं की जो स्थिति है वो उस टाइम पीरियड बहुत ज्यादा खराब थी, है ना। अगर जस्ट हमने देखा कि जो विधवा जो महिला है उसको कितना तकलीफ से अपना जो जीवन है वो जीना पड़ता था, उनका जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मिश्री यानी जो कष्ट से भरा रहता था, जिस कारण से अर्ली जो टाइम में जब स्टार्टिंग में वो इस कष्ट को नहीं सह पाते, तो इससे अच्छा है वो अपना लाइफ है उसको ही क्या कर देते थे, वो खत्म कर देते थे। सो इसी से जो सती है वो क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। बट बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनको जबरदस्ती, ये जो आपका जो सती से रिलेटेड आपके नोट जो पॉइंट्स हैं, ये इमेज दिखाई दे रहे हैं जहां पर उनको जबरदस्ती जला दिया जाता था या फिर उनके साथ उनको अपने पति के साथ ही दफना दिया जाता था। तो सती मोस्ट बारबेरिक एक्ट प्रैक्टिस इन द नॉर्थ इंडिया वाज सती द बर्निंग लाइव ऑफ वुमेन ऑफ द फ्यूनरल प्रे ऑफ देयर हस्बैंड। ये जो ज्यादातर ये जो सती का जो प्रथा है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर किया जाता था, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता था, इंडिया के जो अदर पार्ट है वहां पर भी इस टाइप की जो सती प्रथा है वो हमेशा किया जाता था। अब यहां पर आता है कि जो विडो है, मीन्स जो विधवा महिला है, जब उनके जो हस्बैंड को जो चीता जिसको कहा जाता है उसमें जलाया जाता था, तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्टार्टिंग में शायद जो महिलाएं हैं वो अपने जो जीवन का जो कष्ट को दूर करने के लिए उसी में वो खत्म हो जाते थे, बट बाद में ऐसा हुआ कि जो उनके जो फैमिली मेंबर्स है ये सोचते कि अरे अब इसके जो हस्बैंड चले गए तो इसका पालन पोषण किनको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, उनके घर वाले को, तो उनको जबरदस्ती ही उनके पति के चिता पर डाल दिया जाता था और उनको उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए अब उस महिला की जो तकलीफ सोचिए, अगर हमको किसा हमारा हाथ जो जलता है तब हमें, या फिर कुछ चीज जो जल जाता है हल्का सा, तो हमें कितना तकलीफ होता है। अब उस महिला को सोचिए जिनको जिंदा उस आग में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, जला दिया गया, अब उसकी जो तकलीफ सोचिए वो कैसे जो है उनका जो प्राण है और उनके जो डेट है वहां पर आग में जलते हुए होती रही होगी। ये जो तकलीफ है जो उस समय जो होता था उसको उसी टाइम पीरियड के जो लोग हैं वो समझ सकते थे, उनके जो फैमिली वाले जो मम्मी पापा हैं उनको ये सब चीज जो सहना पड़ता रहा होगा, बट अभी के दौर में देखा जाए तो ये जो चीजें हैं वो नहीं होती, और इसी को सुधारने के लिए जो हमारे जो सोशल जो रिफॉर्मर्स हैं उनके द्वारा प्रयास किए गए, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। देन यहां पर विडोस नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विडोस वेयर टोल्ड दैट दिस वॉज द ओनली वे दे कुड अटेन सॉल्वेशन, सम वुमेन चूज टू कमिट सती वॉलेंट्री एज फॉर देम इट वॉज प्रेफरेबल टू द लाइफ ऑफ मिसरी दे वुड बी फोर्स टू लेड एज अ विडोज। मीन जैसे मैंने बताया कि जो कुछ तो है अपने मन से भी कर लेते थे और किसी लोग कुछ लोगों को जबरदस्ती सती करवाया जाता था। अब जो नेक्स्ट जो आता है कि जो जो बर्थ जो चाइल्ड है जो बच्चियों का जो जन्म होता था तो उनको या तो उनके मां के गर्भ में ही या फिर जब वो पैदा होते थे तब उनको खत्म करवा दिया जाता था। सो इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है आपको, ये जो बच्ची आपको दिखाई दे रही है, द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड वाज कंसीडर्ड एज अ कर्स एंड ऑप्टेन फीमेल इन्फेंट्स आइदर डाइड और नेग्लेक्टेड और वेयर डिलिबरेटली किल्ड। जब बच्चियां पैदा होती थी या फिर उसके मां के गर्भ में ही है तभी उनको खत्म करवा दिया जाता था। तो अब यहां पर समझा जाता था कि अगर किसी के यहां एक बच्ची जन्म हो गई तो उनको कहा जाता था कि ये फिर से, अगर सोचा जाता था कि मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या वो गलत काम किया है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर एक बोझ आ गया, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया कि बच्ची जो है जब मेरे यहां जन्म हो गई। मीन्स बच्चियों को जो फीमेल है चाइल्ड है गर्ल्स जो चाइल्ड है उनको एक बोझ की तरह समझा जाता था। तो ये सब जो चीजें हैं वो जो हमारी जो सोसाइटी में ये फीमेल से रिलेटेड जो बर्थ जो चाइल्ड है उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो असमानताएं या फिर ऐसे जो सामाजिक जो बुराइयां थी जिसको वो उस समय हमारी जो सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे। अब यहीं पर ही एक जो एग्जाम्पल दिया गया है किसका, उस टाइम पीरियड में जिस समय ये सब भी बुराइयां चल रही थी, इसी बीच जो दो महिलाएं हैं, एक जो है हमारा कादम्बिनी गांगुली
और सेकंड है हमारा आनंदी गोपाल जोशी। ये जो दो जो डिफरेंट जो क्या थे उस टाइम पीरियड्स में जो महिलाएं हुई उनके द्वारा ऐसे जो है वर्क किए गए ऐसे जो काम मिस ये कौन थे, तो देयर वेयर सम एक्सेप्शनल वुमेन्स हु डिस्पाइट ऑल दिस सप्रेशंस मैनेज टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्व। कादम्बिनी गामली जो आपका जो जिनका पीरियड जिनका हैप्पी वाला बर्थडे था 1861 और जिनकी पुण्यतिथि जो जिनका डेथ हुआ था 1923 में, एंड जो सेकंड थे आनंदी गोपाल जोशी जिनका हैप्पी वाला बर्थडे था 1865 और 1887 को उनको जो डेथ हुआ था। सो वेयर द फर्स्ट टू इंडियंस वुमेन टू ग्रेजुएट एज डॉक्टर्स इन वेस्टर्न मेडिसिन। गांगुली वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम बेंथन कॉलेज कलकत्ता। मीन्स ये जो दोनों जो महिलाएं थी कादम्बिनी गांगुली और आपके जो एक थी आनंदी गोपाल जोशी, दोनों जो है मेडिसिन मीन जो डॉक्टरेट की उपाधि जो डॉक्टर बनते हैं। आपके जो फर्स्ट जो कादम्बिनी जो गांगुली है वो ग्रेजुएट बेंथन जो कॉलेज कलकत्ता से हुई थी, और जिस समय वो जो मेडिसिन की जो ट्रेनिंग ले रही थी तो उस समय कादम्बिनी मेट हर कॉन्सिडरेबल अपोजिशन फ्रॉम हर टीचर ऑर्थोडॉक्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। मींस जब ये जो स्टडी कर रहे थे कादम्बिनी गांगुली तो इनके साथ इनके जो टीचर और इनके जो क्लासमेट थे जिसमें जितने भी बॉयज थे वो इनको इनके साथ जो व्यवहार है वो ठीक तरीके से नहीं करते थे। मींस उन अगर आप देखिए कि आपके बीच आपके जो 50 जो स्टूडेंट्स बॉयज हैं और 1 गर्ल, तो बिहेवियर जो है कैसा होगा बॉयज का तो और टीचरों का जो, क्योंकि उस समय तो बच्चियों को जो गर्ल्स हैं उनको आगे आने के मौके ही नहीं दिए जाते थे। फिर भी ये जो है अपने जिद पर अपने जो लगन अपनी मेहनत के दम पर एक डॉक्टर बन के दिखाते हैं। आनंदी गोपाल है उनके साथ भी होता है बट इनका जो डेथ है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, इन बीमारी से वो ग्रस्त हो जाते हैं और बीमारी कारण से आनंदी गोपाल का बहुत ही कम उम्र में ही उनका डेथ हो जाता है। लगभग वो कितने साल होता 22 है कि नहीं, 1865 में उनका जन्म हुआ था और 1887 में उनका डेथ हो जाता है। तो 22 इयर्स एज में ही जब वो डॉक्टर भी बन जाती है और लोगों की इलाज करते हुए भलाई करते हुए भी उनका जो डेथ है बीमारी से हो जाता है। सो ये तो हो गया हमारा पॉइंट्स की जो समाज 18 सेंचुरी में महिलाओं की जो स्टेटस है स्थिति है वो कैसी थी। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है हमारा कि जो द सोशल रिफॉर्मर्स में जो समाज जो सुधारक हुए, जो समाज में जो महिलाओं के प्रति जो अन्याय हो रहा था जो बुराइयां थी उनको दूर करने का जो प्रयास है जो सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा किया गया। सो यहां पर आता है कि इन द 19th सेंचुरी सेवरल सोशल रिफॉर्मर्स फॉट हार्ड टू चेंज द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया इंडियन सोसाइटी। दे फेल्ट दैट एजुकेशन वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स वुमेन्स इमेंसिपेशन। मीन्स अब यहां पर क्या हो कि जो 19 सेंचुरीज में जो बहुत सारे जो ऐसे जो सोशल रिफॉर्मर जो समाज सुधारक हुए उनके द्वारा प्रयास किया गया कि सोसाइटी में कैसे सुधार लाया जाए, जो समाज में जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए जो उनका जो एक जो फर्स्ट जो थिंकिंग था कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो महिलाएं हैं जो बच्चियां हैं जो गर्ल्स जो चाइल्ड है उनको क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, शिक्षित होगा सभी वो जो अपने बारे में अपने फैमिली के बारे में या फिर अपने दूसरे का जो माइंडसेट है उनको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए वंस एजुकेटेड वुमेन्स वुड देमसेल्फ बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे कुड थिंक ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। मींस यहां पर क्या होगा कि जब तक वो अपने बारे में नहीं सोचेगी तब उनका खुद का भला नहीं हो सकता है। मीन्स हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जैसे आप स्टडी करते हैं आपको पता है कि आपको एग्जाम में कितना मार्क्स अचीव करना है, आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को कितना नंबर लाना है, मैं कितना में पास होना चाहता हूं या फिर आप कितना नंबर अचीव कर पाएंगे, तब तक आप उस लायक स्टडी नहीं कर सकते हैं कि कर सकोगे। कई जो बच्चे जिनको पास होना है तो वो उसी लायक पढ़ते हैं, किसी को टॉप करना है तो वो टॉप करने लायक स्टडी करते हैं। तो
सोशल रिफॉर्मर्स का भी थिंकिंग था कि अगर वो खुद आप जो है अपने बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरा आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो इसके लिए महिलाओं को जो है सबसे पहले एजुकेट करना पड़ेगा वुमेन्स को, फिर वो अपनी अच्छा है क्या है और अपना बुराई क्या है उसके बारे में वो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने लिए वो लड़ सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो सोशल जो रिफॉर्मर्स हुए हमारे वो थे राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन राय से रिलेटेड जो पॉइंट्स है यहां पर आपको कुछ इमेज दिखाई देगा, बुक्स में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन थे हमारे राजा राममोहन रॉय और उनके द्वारा जो डिफरेंट जो पॉइंट्स यहां पर दिए गए, ये जो नोट जो पॉइंट्स है इसको आप अपने नोट्स प्रिपरेशन के लिए डाउन कर सकते हैं। राजा राममोहन राय से रिलेटेड हम पॉइंट्स देखें तो राजा राममोहन वाज बोर्न इनटू एन ऑर्थोडॉक्स बंगाली फैमिली इन 1772 में। जो राजा राममोहन रॉय है एक ऑर्थोडॉक्स बंगाली फैमिली मींस एक परंपरागत एक जो रूढ़िवादी जो फैमिली थे, मींस वो भी जो समाज में उस समय जो सोसाइटी में जो कस्टम जो ट्रेडिशन जो जो रीति रिवाज है उनको मानने वाले जो फैमिली है वहां पर राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। देन व्हेन ही वाज 16 ही विटनेस अ फोर्थ सती इन हिज फैमिली एंड वाज शॉक्ड बाय इट। मिस जब राजा राममोहन राय का जो एज है वो कितना था 16 इयर्स था, तब वो देखते हैं कि उनके फैमिली में ही किसी जो महिला है उनको जबरदस्ती सती करवा दिया जाता है, मतलब उनके रिलेटिव्स में किसी का डेथ हुआ तो अब उनके हस्बैंड के साथ उनकी जो वाइफ है उनको वहां पर जला दिया जाता है। अब वो 16 इयर्स में वो चीज जब देखते हैं कौन राजा राममोहन राय, तो वो क्या हो जाते हैं शॉक्ड हो जाते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया गया या फिर ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाई, वो शॉक्ड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका कि ही स्टार्टेड द आत्मीय सभा एंड बिगेन अ प्रेसिडेंट स्ट्रगल्स अगेंस्ट द सोशल एविल प्रिवेंट इन बंगाल। मीन्स परसिस्टेंट स्ट्रगल्स मीन्स वो कंटिन्यू क्या करते जाते हैं, प्रयास किया जाता है, एक ऐसा जो प्रयास वो करते हैं कि जो समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो डिफरेंट जो ऐसे जो सोशल जो एविल्स जो चले आ रहे हैं समाज में, जो कुरूतियां चली आ रही है उनको वो दूर करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए वो एक आत्मीय जो सभा है उसका फॉर्मेशन करते हैं, एक जो संगठन बनाते हैं। देन His greatest achievements was the founding of the Brahmo Samaj in 1830, which aimed to preach monotheism, belief in one God, to improve the position of women in society, to ride Hinduism ideal of worship and rituals, and to remove superstition practices. मिस अब वहां पर बाद में जो उनका जो एक जो ब्रिटिश जो अचीवमेंट्स की बात की जाए तो वो जो है आपका था कि उनके द्वारा जो ब्रह्मो जो समाज है वो 1830 में फॉर्मेशन किया जाता है। किसका? ब्रह्मो समाज का, जो एक क्या करता है कि जो एक वन जो गॉड है, मिस एक भगवान है, एक जो वन जो गॉड है उस पर विश्वास किया जाता है और जो समाज में जो डिफरेंट जो रीति रिवाज जो चले आ रहे थे पूजा पाठ से रिलेटेड, जो यज्ञ हवन किया जाता है या फिर और ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक बुराइयां थी जिसमें किसी को बड़ा दिखाया जाता है और किसी को छोटा, तो उनको दूर करने के लिए जो है किनके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था। और जो आइडियल जो वार्शिप है मीन जो मूर्ति जो पूजा किया जाता है उनको भी दूर करने का प्रयास जो है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। He persuaded the British government to abolish sati, which Bentinck did. For this achievement, he is called the father of modern India. Miss, इनके द्वारा जो प्रयास किया गया कि जो सती जो प्रथा है, जो एक बहुत बड़ी समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का जो प्रयास है वो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया और इन्हीं प्रयास को आगे जाकर जो उस समय लॉर्ड जो बेंटिंक थे उनके द्वारा एक कानून के तहत एक जो लॉ है वो एक्ट है वो पास आउट किया गया और सती प्रथा है उसको बंद करवाया गया था। इसी कारण से इसको किनको? राजा राममोहन राय को किस नाम से? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन के नाम से जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है ना।
राजा राम मोहन राय इनकरेज द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड फॉर्मली बिलीव इन द एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। मीन्स उस टाइम पीरियड में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय कहीं ना कहीं आपके जो किन के फेवर में थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल के फेवर में थे, और वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको वो बढ़ावा देते थे हमेशा। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द ओपनिंग ऑफ द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। मीन्स इनके द्वारा कहीं ना कहीं जो हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता है उनको इस्टेब्लिश करने का प्रयास है उनके द्वारा किया गया, और बाद में ये कॉलेज है इनके द्वारा इस्टेब्लिश भी किया गया। साथ ही साथ एंड इन द सेटिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन न्यूज़पेपर, इनके द्वारा जो मॉडर्न इंडियन जो न्यूज़पेपर है वो भी इनके द्वारा निकाला गया, ताकि इनको पढ़कर भी जो लोग हैं वो मोटिवेट हो, एजुकेट हो, और वो इनके बारे में जो है आगे जो शिक्षा वो ले सके, जान सके। इन 1855 द हिंदू कॉलेज वॉज ओपन टू ऑल कम्युनिटीज एंड रीनेम्ड द प्रेसिडेंसी कॉलेज। मीन जब स्टार्टिंग में जो हिंदू कॉलेज है वो ओपन हुआ था तो वो किन के लिए था, सिर्फ हिंदुओं के लिए था। फिर बाद में 1855 में वो जो ऑल कम्युनिटीज है मीन सभी समुदाय के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जो कास्ट से बिलोंग करते हो, सभी के लिए ये जो कॉलेज है उसको ओपन कर दिया गया था। सो ये हुआ जो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे राजा राम मोहन रॉय और उनके द्वारा जो किए गए प्रयास। नेक्स्ट जो हमारा जो सोशल रिफॉर्मर्स आता है वो है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड जो हम इमेज देखें और उसके जो पॉइंट्स जो शॉर्ट्स नोट्स पॉइंट्स करें तो ये आपके कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उनके जो ये जो शॉर्ट जो नोट्स पॉइंट जिनको आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं बुक्स में और वहां पर देखते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अर्ली लाइफ की बात करें, सो बॉर्न इन टू अ पुअर ब्राह्मिन फैमिली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर्स एंड बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। मीन जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उनका जो जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। मीन संस्कृत का उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था और वो जो है उनका जो करियर है वो एज अ प्रिंसिपल, वो कहां पर संस्कृत कॉलेज है वहां के वो प्रिंसिपल बनते हैं। सो फेयरलेस एंड हॉनेस्ट ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग। हिज होल लाइफ वॉज स्पेंड इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। मीन्स वो कहीं ना कहीं जो सिंपल जो लाइफ सिंपल उनका जो जीवन जो स्तर था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, और कहीं ना कहीं उनका जो पूरा जो लाइफ है चाहे वो किसके लिए वुमेन्स और जो महिलाएं बच्चियां हैं गर्ल्स हैं उनके जो स्तर को सुधारने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, समाज में उनका जो पोजीशन है उसको सुधारने के लिए वो अपना पूरा जो लाइफ है वो दे देते हैं। अब यहां पर आता है कि विद्यासागर स्टार्टेड अ मोमेंट इन अ फेवर ऑफ विडो रिमैरिज एंड वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द पासिंग ऑफ द विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856। जैसा हमने राजा राम मोहन राय के द्वारा किया कि देखा था कि जो उनका जो मेन जो अचीवमेंट था कि उसने जो सती जो प्रथा है उसको उसने क्या करवाया था, बैन करवाया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो मेन जो अचीवमेंट था कि उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था उस पर जो विडो जो रीमैरिज है एक्ट है वो पास आउट किया, भी जो विधवा जो महिला है वो भी पुनर्विवाह कर सकती है। सो हमारे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मेन जो अचीवमेंट था वो था विडो रीमैरिज एक्ट जो है ब्रिटिश से पास करवाना, कब, 1856 में। देन ही ओपन सेवरल स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड रन सम ऑफ देम एट हिज ओन एक्सपेंसेस। ही टू अर्न द वर्क ऑफ द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस। मीन्स अब इनका जो और जो अदर अचीवमेंट की बात किया जाए तो इसने जो है अपने खुद के पैसे से स्कूल्स ओपन करवाए थे और वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसके कारण से जब ये सब एक्टिविटीज कर रहे थे तो जो ऑर्थोडॉक्स में जो परंपरावादी हैं, जो रीति रिवाज को मानने वाले जो लोग हैं वो इनके अगेंस्ट में थे, मतलब इसके अगेंस्ट हो गए थे, और इनके जो कार्य जो एक्टिविटीज हैं उनको हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, इनको ताने सुनने को मिलता था, इनको गालियां दिया जाता था, इनके कामों को रोका जाता था। तो विद्यासागर अलोंग विद जॉन बेंथन स्टार्टेड बेंथन स्कूल्स एंड द बेंथन कॉलेज
इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स एजुकेशन इन कलकत्ता। जॉन जो बेंथम थे उनके सहयोग से ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा जो महिलाओं के बच्चियों के लिए जो गर्ल्स हैं उसके लिए स्पेशली स्कूल्स और कॉलेज है जो बेंथम स्कूल और बेंथम कॉलेज है कलकत्ता में स्टार्ट किया जाता है। तो ये जो है कुछ जो प्रयास जो किनके द्वारा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किए गए। नेक्स्ट जो आता है हमारा जो कौन स्वामी दयानंद सरस्वती एंड द आर्य समाज। राजा राममोहन राय के द्वारा कौन सा समाज एस्टेब्लिश किया गया था ब्राह्मो समाज है ना। और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था आर्य समाज। तो ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का इमेज और यहां पर आपका नोट्स पॉइंट्स। नेक्स्ट चलिए हम बुक्स में चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अर्ली लाइफ की हम बात करें तो उनका जो जन्म है हैप्पी वाला बर्थडे है वो है 1824 में। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज बॉर्न इन गुजरात। गुजरात में उनका जन्म हुआ था 1824 में। अ ब्रिलियंट संस्कृत स्कॉलर्स ही स्पोक आउट स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट आइडियल वर्शिप एट द एज ऑफ 14। मीन्स जब जितना एज अभी आपका है उतने ही एज में वो आइडियल वर्शिप जो मूर्ति पूजा किया जाता था किसी जो गॉड है गॉडेस है उसका जो स्टेच्यू बनाया जाता था और उसकी जो वर्शिप किया जाता उनके अगेंस्ट वो जो 40 इयर्स एज के थे तभी उसने जो है उसके अगेंस्ट अपनी बातों को रखना स्टार्ट कर दिया था। देन ही कोटेड द हिंदू स्क्रिप्चर्स टू सपोर्ट हिज स्टैंड ऑन अ वेरियस इश्यूज। और ये जो चीजें वो बात करते थे वो हवा हवाई बात नहीं थी कि मतलब कुछ भी बातें बोल दिए मूर्ति आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं तो वो जो है प्रूफ भी रखते थे कि वो जो हिंदू जो इसके हिंदू स्क्रिप्ट में कुछ जो चीजें लिखी गई है उसको वो साक्ष्य के रूप में देते थे कि जो मैं बात कह रहा हूं वो मैं इस आधार पर कह रहा हूं मैं कुछ गलत बातें नहीं कह रहा हूं। तो ही कंडेमेंड सती सपोर्ट विडो रिमैरिज एंड अपोज चाइल्ड मैरिज। ही प्रीच्ड अगेंस्ट कास्ट डिफरेंसेस एंड अनटचेबिलिटी। मिस इनके द्वारा भी प्रयास जो किए गए क्या किया गया कि जो विडो रिमैरिज है मिस विधवा जो पुनर्विवाह उनको इसने प्रोत्साहित किया आपके जो चाइल्ड जो मैरिज है उसके अगेंस्ट से और उसको उसने बंद करने का प्रयास करवाया। साथ ही साथ जो कास्ट जो डिफरेंस और जो इनडिस्क्रिमिनेशन होता था मिस जो कास्ट के बेस पर जो लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उनको खत्म करने का उनको समाप्त करने का जो प्रयास है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट होता है कि दयानंद सरस्वती स्टार्टेड द आर्य समाज एट राजकोट इन 1875 में आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था। द आर्य समाज एम मीन जो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था जो उनका उद्देश्य था कि एट रिवेविंग सोसाइटी अलोंग वैदिक लाइन जो वैदिक जो धर्म है वैदिक जो लाइन है उसके आधार पर लोगों को वापस लाना है क्योंकि वैदिक जो सोसाइटी में जो ये जो कास्ट डिफरेंसेस हैं जो सोशल जो एविल्स है वो उतने ज्यादा नहीं थे। अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती द वेदास कंटिन्यूड द एसेंस ऑफ लाइफ एंड नॉलेज। मीन्स यहां पर जो कहा स्वामी दयानंद सरस्वती के मानना था कि वेदास है वेद में बहुत सारे ऐसे जो बातें लिखी गई हैं जिसके थ्रू हमारा जो लाइफ है और जो नॉलेज है वो बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है और जो समाज में जो बुराइयां हैं वो खत्म हो सकती है। सो आफ्टर हिज डेथ इन 1885 हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड दयानंद ऑंग्लो वैदिक स्कूल जिसे हम डीएवी स्कूल के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ कॉलेज है वो स्टार्ट किया गया था विच aimed to provide an education that was both scientific and spiritual in many parts of the country. Means इनके द्वारा जो DAV जो दयानंद ऑंग्लो वैदिक जो स्कूल है वो स्टार्ट करवाया गया था। मेन जो उद्देश्य था कि जो साइंटिफिक जो वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाने के साथ ही साथ जो वैदिक जो है मीन जो स्पिरिचुअल मीन जो धार्मिक जो कई ऐसे जो चीजें हैं उनको भी साइंटिफिक जो स्टडी के साथ उनको भी सिखाया जाए। तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सोशल रिफॉर्मर से रिलेटेड जो पॉइंट था। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा सर सैयद अहमद खां। इससे रिलेटेड जो नोट जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं आपको सर सैयद अहमद खां दिखाए रहे हैं और यहां पर जो नोट जो पॉइंट्स है उनके द्वारा क्या क्या जो प्रयास है वो किए गए। बुक्स में चलते हैं वहां पर हम देखते हैं कि इनके द्वारा क्या प्रयास किया गया। सो स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो सर सैयद अहमद
खा अबाउट हुम यू रीड इन द लास्ट चैप्टर वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेन्स लिबरेशन। मिस सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है आपके प्रीवियस जो चैप्टर है वहां पर जो इस्टेब्लिश किया गया था अंग्लो आपके जो स्कूल जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इनका हाथ था। तो इनके द्वारा भी हमने देखा था कि कैसे जो है उस समय जो सोसाइटी में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया और लोगों को कैसे आगे लाने के प्रयास किए गए। सो ही वॉज अगेंस्ट द पर्दा सिस्टम एंड द मुस्लिम प्रैक्टिस ऑफ डाइवर्स बाय सेइंग द वर्ड तलाक थ्रीस। मीन्स इनके द्वारा जो पर्दा सिस्टम है जो आपका या तो महिलाओं पर जो बुर्का जो पहनते अभी जो विवाद जो चल रहा है हिजाब जो विवाद आपने देखा होगा न्यूज पर बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट थे। साथ ही साथ जो थ्री जो तलाक है तीन बार तलाक बोलने से तलाक 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 चाहे आप गलती से बोलो चाहे मजाक से बोलो चाहे किसी भी तरीके से बोलो, कोई जो है हस्बैंड है वो अपने वाइफ को बोल दिए या फिर कोई वाइफ है अपने हस्बैंड को बोल दिए, तो वो जो है धार्मिक आधार पर जो मुस्लिमों के जो धार्मिक आधार है उसके आधार पर वो उनका तलाक हो जाता है। अब फिर से साथ में रहना चाहेंगे तो उनका जो नियम है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अजीब तरीके से है। किसी जो किसी के साथ उनको फिर से शादी करना पड़ेगा, उसके बाद उनको फिर से तलाक लेना पड़ेगा, फिर वो जो है अपने जो है जो जिनके साथ अपने पहले हस्बैंड के साथ रहना चाहे तब वो फिर से उनके साथ उनका निकाह होगा, फिर से उनका मैरिज होगा। तो ये जो सिस्टम था उनको उसने उस समय उसके अगेंस्ट में उसने बात उठाई थी और उसके जो दूर करने का प्रयास किया था, बट अभी तो गवर्नमेंट के द्वारा इससे रिलेटेड कानून भी लाया गया है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ दिस सोशल रिफॉर्मर्स इंडियन सोसाइटी स्टार्टेड चेंजिंग, बट द ब्रिटिश शोज लिटिल इंटरेस्ट इन द सोशल प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट्स ऑफ 1857। मिस यहां पर क्या हुआ कि जो कहीं ना कहीं जो सोशल जो रिफॉर्मर्स है उनका प्रयास है वो धीरे धीरे रंग ला रहा था और जो बहुत सारी जो सामाजिक बुराई है वो दूर हो जा रही थी, बट यहां पर जो ब्रिटिश है वो पहले तो इंटरेस्ट ले रहे थे बट 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसमें जो एक जो रिलीजियस जो कारण था और जो सोशल जो कारण थे जिसके कारण से जो लोग हैं वो विद्रोह किए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश के द्वारा आफ्टर 1857 की जो रिवोल्ट है जो क्रांति है उसके बाद जो है इंडियन जो सोशल और जो रिलीजियस जो इश्यूज है उस पर उनका इंटरफेयर बिल्कुल भी खत्म हो गया था। सो अ फ्यू लॉज वेयर पास लाइक द शारदा एक्ट इन 1929 फिक्सिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज एज 14 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉय, बट नो सीरियस एफर्ट्स वाज टेकन टू सी दैट द लॉज वेयर इनफोर्स। मिस यहां पर ब्रिटिश के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, यहां पर एक जो लॉज है उसके बारे में बताया गया कि 1929 में जो शारदा जो एक्ट है ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें जो मैरिज का जो फिक्स जो एज है वो डिसाइड कर दिया गया गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज के लिए 18 जो डेट है वो एज है वो फिक्स था कि उसके बाद जो है ही शादी कर सकते। अभी जो है मैरिज है वो एज कितना हो गया है बॉयज के लिए 21 गर्ल्स के लिए 21 बहुत दोनों का जो एज है वो 21 हो गया है। सो ये आपके जो सोशल रिफॉर्मर्स से रिलेटेड हुए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सोशल जो रिफॉर्मर्स थे कहां के जो आपके जो वुमेन्स एंड रिफॉर्म्स इन बंगाल एंड महाराष्ट्र, बंगाल और महाराष्ट्र वाले रीजन में जो प्रयास किए गए इससे रिलेटेड इमेज आप देख सकते हो नोट्स पॉइंट, जैसे यहां पर आपका देवेंद्रनाथ टैगोर आपके केशव सेन और आपका हेनरी जो इनके द्वारा जो प्रयास है वो बंगाल से रिलेटेड किया गया। बंगाल की हम बात करें तो यहां पर आपका द फर्स्ट स्टेयर इन सोशल रिफॉर्मर्स स्टार्टेड इन बंगाल एज अ कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज एंड दिस रीजन हैज अ मैक्सिमम एक्सपोज टू वेस्टर्न आइडियाज एंड एजुकेशन। जो सोशल रिफॉर्मर का जो सबसे पहला जो स्टार्ट है वो कहीं ना कहीं बंगाल रीजन में कहां से हुआ था कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो एजुकेटेड जो लोग थे और उनके द्वारा बहुत सारे जो प्रयास है वो किए गए थे राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर वेयर सम ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्मर्स। मीन्स आपके राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके कहां से बंगाल से बिलोंग करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय द ब्रह्मो समाज कैरिड ऑन हिज वर्क अंडर द
लीडरशिप ऑफ स्टालवेयर्स लाइक देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन, साथ ही साथ जो हेनरी है उनके द्वारा जो आपके जो हमारे जो ब्रह्मो समाज के जो काम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म्स मोमेंट एंड द वुमेन्स एजुकेशन ही स्टार्टेड द यंग बांग्ला मोमेंट टू इंस्पायर द यूथ द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। मीन्स इनके द्वारा क्या किया गया था कि जो ब्रह्मो समाज के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए यंग बंगाल मूवमेंट्स है वो स्टार्ट किया गया था, ताकि जो लिबर्टी इक्वलिटी और जो फर्टिनिटी है, मीन जो आपकी जो स्वतंत्रता या फिर समानता और जो बंधुत्व की जो भावना है उसको लोगों के जन जन तक फैलाया जाए, ताकि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप हो सके या फिर इंडिपेंडेंट हो सके। देन ये जो ही फोर्स अगेंस्ट सुपर सिचुएशन बिलीफ एंड क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स, में जो समाज में जो अपर कास्ट लोअर कास्ट जो चल रहा था उसके अगेंस्ट इसने क्वेश्चंस किए थे, साथ ही साथ जो ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी जो रीति रिवाज जो परंपराएं चली आ रही थी उसके अगेंस्ट भी इनके द्वारा जो है आवाज हमेशा उठाया गया था। रामकृष्ण परमहंस मेजिस्टिक संत ऑफ बंगाल वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉडेस काली। यहां पर आपको रामकृष्ण परमहंस दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किनके भक्त थे, काली माता के भक्त थे। टू हिम ऑल वुमेन्स वेयर इन क्रिएशन ऑफ काली, मीन्स जो जितने भी जो महिलाएं हैं उसको कहीं ना कहीं वो काली माता का एक रूप मानते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। एंड हेंस वेयर टू बी ट्रीटेड बाय मेन एज अ इक्वल एंड विथ रेस्पेक्ट, मीन्स इनका मानना था कि काली माता का एक रूप है उनके द्वारा ही बनाया गया है, तो जो मेन्स है उनको, ये जो महिलाएं हैं उनको क्या करना है, इक्वल और समानता पूर्वक और बहुत अच्छे से उनके साथ रेस्पेक्टफुली बिहेवियर करना चाहिए। देन ही डिसिपाइल स्वामी विवेकानंद, जो इनके जो सत शिष्य थे किनके, रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद, इंस्पायर द यूथ टू वर्क रेंटलेसली फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर। ही इंस्टिल्ड इन देयर माइंड्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म बाय रिमाइंडिंग देम ऑफ देयर कंट्रीज रिच एंड एशियंस कल्चर। स्वामी दयानंद सरस्वती कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जो है आपके जो किनको यूथ है उनको इंस्पायर किया, और इनके द्वारा भी बताया गया कि कैसे कहीं ना कहीं हमारे मन में जो पेट्रोटिज्म जो देशभक्ति राष्ट्रप्रेम की भावना है उसको कैसे जगाया जाए, और हमारे कंट्री के डेवलपमेंट्स के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जो कल्चर क्या है, यहाँ के जो ट्रेडिशंस क्या है उनको ऊपर उठाने के लिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किया गया था। सो ये जो सोशल जो रिफॉर्मर्स हुए आपके बंगाल से, देन जो लास्ट जो आता है आपका सोशल जो रिफॉर्मर्स थे कहां के, महाराष्ट्र के। सो महाराष्ट्र से जो सोशल जो रिफॉर्मर्स है उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, तो यहां पर आपको महादेव रणाडेज है वो दिखाई दे रहे हैं, दादा भाई नौरोजी और आपके सावित्री बाई एंड ज्योतिबा ज्योतिराव फुले, दोनों जो है आपके ये जो आपके जो सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा राव फुले, ये कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र वाले रीजन में, यहाँ पर महादेव रानाडे और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, तो इनके द्वारा जो समाज में जो बुराई है उनको दूर करने का जो प्रयास है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में किया गया। सो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपका आता है कि जो बॉम्बे वॉज द अदर ग्रेट सेंटर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया इन द 19th century, मीन्स आपका जो मेन एक जो बॉम्बे है वो उस टाइम पीरियड्स में एक डेवलप जो सेंटर था ब्रिटिश का, यहां पर आपका जो फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा थी। सो ये भी एक जो सेंटर है वहां पर स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में, सोशल जो रिफॉर्मर्स थे वो फॉलोअर्स ऑफ द ब्रह्मो समाज स्टार्टेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे इन 1867। ब्रह्मो समाज किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो अब यहां पर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो महाराष्ट्र में किनको एस्टेब्लिश करते हैं? प्रार्थना समाज का, बॉम्बे में उनके द्वारा प्रार्थना समाज है 1867 में इस्टैब्लिश किया जाता है। द समाज फॉट अगेंस्ट सोशल कस्टम लाइक चाइल्ड मैरिज एंड फॉर द रीमैरिज ऑफ विडो एंड द वुमेन्स
एजुकेशन मीन्स ये जो प्रार्थना समाज है उनके जो फॉलोअर्स है वो काम करने लगे, क्या करने लगे कि वो जो है चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट थे, साथ ही साथ जो विडो रीमैरिज है उनको आगे बढ़ा रहे थे कि जो महिलाएं जो विधवा महिलाएं उनका पुनर्विवाह करवाया जाए, साथ ही साथ जो वुमेन जो एजुकेशन है उनके लिए उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। देन अमंग इट्स प्रोमिनेंट मेंबर्स वेयर आरजी भटनागर, महादेव गोविंद रानाडे, रानाडे फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन एंड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। मिस अब इसके जो मेंबर्स थे जिसमें आरजी बना भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, तो इनके द्वारा जो प्रयास है सोशल सामाजिक बुराइयों को दूर करने का वो किया गया रानाडे के द्वारा विडो रीमैरिज एसोसिएशन मिस जो इस संस्था में जो विधवा जो महिला है इनके द्वारा विवाह करवाया जाता था, साथ ही साथ जो डेक्कन एजुकेशनल जो सोसाइटी है वो एस्टेब्लिश किया गया जहां पर महिलाओं को शिक्षित किया जाता था। सो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें आता है कि वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आगे इसके बारे में और आप पढ़ेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो ए ह्यूम्स और आपके जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। सो फॉट फॉर लीगल राइट्स फॉर वुमेन सो दैट दे कुड इनहेरिट प्रॉपर्टीज मीन्स जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो महिलाएं हैं उनको उनके जो फादर की जो प्रॉपर्टी है उन पर भी उनको अधिकार मिले। देन ज्योतिराव फुले एंड गोपाल लोकहितवादी वेयर टू अदर प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मीन्स ज्योतिराव फुले और गोपाल लोकहितवादी के द्वारा जो प्रयास किया गया कि जो महिलाओं की जो स्थिति है जो सामाजिक जो स्थिति है उनको सुधारा जाए और महिलाओं को मजबूत बनाया जाए। ज्योतिराव फुले वाइफ सावित्रीबाई फुले वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया। सी अलोंग विद हर हस्बैंड ओपन सेवरल स्कूल फॉर गर्ल्स इन एंड अराउंड पुणे। तो ज्योतिराव फुले को जो आपके जो उसकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले उसको जो कहा जाता है फर्स्ट जो वुमेन जो टीचर थी हमारे इंडियंस की उसको किनको जाना जाता है सावित्रीबाई फुले को, और इनके द्वारा बहुत सारे जो स्कूल्स है वो ओपन करवाए गए। तो बहुत सारे जो स्कूल्स है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए ओपन करवाए थे। सो इन द कोर्स ऑफ टाइम द एफर्ट्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स बोर फ्रूट्स मीन्स जो धीरे धीरे इनके द्वारा जो प्रयास किया गया वो फल आने लगा, उसमें मेहनत जो है उनकी रंग लाई और जो समाज में जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही थी दूर हो रही थी। स्लोली मोर एंड मोर वुमेन स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल्स एंड कॉलेज मीन्स धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा जो बच्चियां हैं स्टूडेंट्स आपके जो गर्ल्स हैं वो स्कूल कॉलेज जा रहे थे। द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज अ कैटलिस्ट दे स्पीड अप द एमेंसिपेटेशन ऑफ वुमेन्स मीन जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल जो आगे चल रहा था हमें हमारे कंट्री को ब्रिटिश से आजाद कराना था तो उस पर जो महिलाएं हैं उसका जो भागीदारी है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते जा रहा था क्योंकि वो ज्यादा एजुकेट होते जा रहे थे। वुमेन्स लाइक सरोजनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित एंड एनी बेसेंट वेयर एट द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल। जो हमारे जो कौन थे तो जो महिलाएं जो सोशल जो रिफॉर्मर्स में स्पेशली किनको जाना जाता है तो उस समय सरोजनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित और एनी बेसेंट उस टाइम पीरियड के जो लीडर महिलाएं के रूप में जो लीडर थी स्टैंडिंग सोल्डर टू सोल्जर विद द मेन। पंडिता रामाबाई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फॉर मॉडर्न टाइम टू मास्टर द वेदास एंड यूज दिस नॉलेज टू चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज मीन्स जो हमारे जो पंडिता मीन जो पहले पंडित होते थे उसी टाइप से पंडिताइन हुआ मीन जैसे पंडिता जो आपका कौन थी रामाबाई तो वो जो वेद का जो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था और वो कहीं ना कहीं और जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित करती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर इक्वलिटी फॉर वुमेन इन एवरी फील्ड। तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको जो गवर्नमेंट के द्वारा वोटिंग राइट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। हमारा जो कंट्री जो फर्स्ट जो कंट्री था जो जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद महिलाओं को वोटिंग राइट्स देते हैं, साथ ही साथ
उनके जो इक्वेलिटी है, वुमेन्स को इक्वेलिटी मीन सभी को जो समानता का जो अधिकार है वो भी दिया जाता है। वाइल अ लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन, मच हैज इम्प्रूव्ड, मीन्स हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई, समस्याएं खत्म हो गई, बट कुछ चीजें और इंप्रूव करने की जरूरत है। मिलियंस ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल टूडे एंड मिलियंस मोर आर पार्ट ऑफ द अर्निंग वर्क फोर्स ऑफ द नेशन, मीन्स अभी जो है अधिकांश जो जैसे हमारे यहाँ ये देखेंगे जो गर्ल्स के जो नंबर्स हैं वो बॉयज से कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अधिकांश जगह जो है वुमेन जो है वर्किंग क्लास में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, या फिर फार्मिंग सेक्टर्स हो, या फिर कोई जो वर्किंग जो सेक्टर्स हैं, कहीं पर भी देखो तो महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गई है और वो जो है सभी जगह प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। सो ये आप चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स।